हेलो नमस्ते सत श्री अकाल केम छो। मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बहुत दिन के बाद मैं वीडियो ला रहा हूं क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिलता जॉब की वजह से। मैं वीडियो लाना चाहता हूं फिर ला नहीं पाता क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। ज़्यादातर मैं जो भी मैं जॉब करता हूं इसीलिए। तो आज मैं एक हेलमेट अमेजोन से मैंने परचेज़ किया है जो आज डिलीवरी हुआ है, मैं उसी का अनबॉक्स करने जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दूँ कि क्या हेलमेट मैंने परचेज़ किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये है स्टील वर्ल्ड का हेलमेट S2। उस तरफ दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरा एड्रेस वगैरह सब है। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं। अनबॉक्स मैंने पहले भी कर चुका था क्योंकि चेक भी करना था, तो इसीलिए मैंने खोल के एक बार चेक कर लिया। तो एक बार आप लोगों को भी दिखा देता हूँ क्या है ये। ये एक्स्ट्रा एक वाइज़र मिला जो ब्लैक है, उसको मैं आप लोग देख सकते हो क्या वाइज़र है ये। इसका प्राइस 219 है, 219 रुपये। उसको रखते हैं साइड में। ये स्टील वर्ड का ही है और निकालते हैं हेलमेट को। ये जो है मेरा एड्रेस वगैरह है। अब निकालते हैं हेलमेट को क्योंकि एक आप मैंने कैमरा पकड़ के रखा है। तो ये है हेलमेट। बॉक्स को करते हैं साइड और दिखाते हैं आपको हेलमेट। तो ये रहा स्टील बर्ड का हेलमेट। मुझे यही कलर अच्छा था, अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ये कलर वाकई बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे आपका एक ये जो है ये वेंटिलेशन है। ये आप देख सकते हो ये बटन, अगर मैं प्रेस करता हूँ तो इसमें होल दिखाई पड़ता है, शायद दिखाई देख सकते हो। ये देखो, ये मैंने बंद किया, ये होल बंद हो रहा है। देखो ये खोल दिया, ये भी हो रहा है, ये देखो बंद हो रहा है खुल रहा है। तो ये है वेंटिलेशन ऊपर का, और ये इधर है वेंटिलेशन। ये 1 2 3 4 और स्टील वर्ड का ऐसा ही मार्क है, देख सकते हो। टू व्हीलर हेलमेट। और ये है हेलमेट, ये शायद कुछ है। हाँ ये भी वेंटिलेशन है, ये आप देख सकते हो, ये वेंटिलेशन ही है, ये खुल जाता है ना, ये खुल जाता है। तो ये रहा हेलमेट। ये S2 है। ये कलर ही मुझे पसंद आया क्योंकि ये कलर जो है बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे, ये कलर बहुत ही अच्छा लग रहा था, इसीलिए मैंने इसको परचेज किया। तो इसमें साइज़ वगैरह मास्क वगैरह सब मेड इन इंडिया है। मेन बात तो है ये मेड इन इंडिया है। फोकस कर ले यार। हाँ मेड इन इंडिया है। मैंने इसको मीडियम साइज़ ही मंगाया था क्योंकि जब ये पेड वगैरह भी देख लो आप,
ये पैडिंग जो है ये हम मैं निकाल सकता हूँ, अंदर का जो पैडिंग है ये मैं निकाल सकता हूँ, ये पूरा ये देख सकते हो बटन है, ये निकाल सकता हूँ मैं। ये मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं पैड वगैरह जो है ना ये पैडिंग ये वॉश कर सकता हूँ, काफ़ी अच्छा है। इसका जो लॉक है ये भी लॉक मुझे अच्छा लगा, एक हाथ से दिखाना बहुत ही कंफर्टेबल नहीं है, एक हाथ से दिखाना, ये ऐसे उठाने से ये निकल जाता है तो ये निकल गया। ये लॉक मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, ये लॉक काफ़ी अच्छा है और डीप भी है। स्टील बाट का जो हेलमेट है ना ये बहुत ही अच्छे से बनाते हैं, इसलिए मुझे स्पॉन्सर नहीं किया, कोई भी पैसा वैसा नहीं दिया क्योंकि मैंने परचेज़ किया है। और ये जो वाइजर है ये खुलता है, ये खुलता है यहाँ से, ये जो है ना ये मैंने फोकस कर ये मैंने पुश किया और ये हेलमेट वाइजर खुल गया, ये मैंने दबा दिया ना और ये आप देखना ये देखो खुल गया, ये मुझे अच्छा लगा। तो आप लोगों को हेलमेट दिखा दिया मैंने, ये मेरा नेक्स्ट राइड का हेलमेट मेरा मिल गया, मुझे अच्छा लग रहा है। अगर आपको वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मोटिवेशन मुझे मिलता है, मोटिवेशन मोटिव करे मुझे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।